पहले चीन के साथ दोस्ती बढ़ाई, फिर भारत के साथ सैन्य अभ्यास से इनकार कर दिया और अब 16 दिसंबर को बिम्सटेक के सेना प्रमुखों के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इन सबको देखकर तो यही लगता है कि नेपाल भारत से लगातार दूरियां बना रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के नवनियुक्त सेना प्रमुख पूर्ण चंद्र थापा ने 16 दिसंबर को बिम्सटेक के सेना प्रमुखों के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा दिए गए निमंत्रण को ठुकरा दिया है। भारत ने बिम्सटेक सैन्य अभ्यास में पहली बार हिस्सा नहीं लेने के फैसले के बाद नेपाल ने ये कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि नेपाल को छोड़कर सभी देशों ने सेना प्रमुखों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए हां कर दी है। सूत्रों की माने तो नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल थापा ने भारतीय सेना को सम्मेलन में भाग न लेने के लिए अपने देश में औपचारिक कार्यक्रमों में व्यस्त होने की दलील दी है। आपको बता दें कि बिम्सटेक सदस्य राष्ट्रों में शामिल नेपाल ने सोमवार से पुणे में शुरू हुए एक हफ्ते के एंटी टेररिज्म अभ्यास में भी हिस्सा नहीं लिया है।